हेलो फ्रेंड्स, मैं सिंह साहब फ्रॉम आईआईटी इंदौर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो 2.4 वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, राइट। तो ये जो है सॉल्यूशन का पार्ट 4 है, ठीक है। पार्ट 1, 2, 3 मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले उनको देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो इस वेपर प्रेशर में हम दो चीज पढ़ेंगे, एक तो वेपर प्रेशर पढ़ेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का, और दूसरा पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड का। किसका? सॉलिड इन लिक्विड का। जैसा कि आपको पता है हमारा सॉल्वेंट क्या रहता है, लिक्विड रहता है। तो हमने उसमें गैस वाला तो पढ़ लिया, हेनरी लॉ, है ना। अब सॉलिड और लिक्विड इन दोनों के केसेस हम इसमें देखेंगे। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट लॉ आता है जिसका नाम दिया गया है रॉल्स लॉ, राइट। तो उसको हम इसमें अच्छे से समझेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बोर्ड में भी कभी कभी डेरिवेशन वगैरह भी आ जाते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी वो आ जाता है, ठीक है। तो क्या शुरू करें उसको? तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको बेसिक पहले बता देता हूँ कि इसमें लिखा क्या हुआ है। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, फालतू की चीजें दी हुई हैं कि हम ये पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे, बस वही बताया हुआ है तो उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। लाइन बाई लाइन पढ़ने का उसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे एक सिचुएशन है कि मान लो पी टोटल, ये थोड़ा बताया कि टर्मिनोलॉजी जो ये यूज कर रहे हैं ना सिंबल वो किस किस के हैं। तो एक केस मैंने लिया ये वाला, ठीक है, अब आपको शो हो रहा होगा। अब इसमें होता क्या है, इसमें दो लिक्विड है, लिक्विड लिक्विड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड लिक्विड की, राइट। तो यहाँ पर दो लिक्विड है, एक कंपोनेंट है इसको हम बोल रहे हैं कंपोनेंट वन, और दूसरा कंपोनेंट है उसको बोल रहे हैं हम कंपोनेंट टू, ठीक है। और यहां पर कुछ प्रेशर क्रिएट होंगे, कंपोनेंट वन के होंगे और कंपोनेंट टू के होंगे, ठीक है, प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये जो लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इसमें वेपर है ना, तो इसलिए इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, ये वेपर के द्वारा क्रिएट हो रहा है। वेपर क्या होते हैं, जब लिक्विड होता है वो एवेपोरेट होता है ना, तो ऊपर ये जो पार्टिकल्स घूम रहे हैं उस लिक्विड के, उसको क्या बोलते हैं, वेपर। तो ये क्या हो गया, वेपर प्रेशर। अब ये जो वेपर प्रेशर है ना, तो कंपोनेंट वन के द्वारा जो वेपर प्रेशर आ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पी वन, और कंपोनेंट टू के द्वारा जो वेपर प्रेशर आ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पी टू। तो इन्होंने यहाँ पे यही बताया है कि पी वन और पी टू क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर है किसके, कंपोनेंट वन के, और कंपोनेंट टू का क्या है, पी टू। और टोटल क्या होता है, टोटल पी टोटल क्या होता है, वो होता है पी वन प्लस पी टू। अब यहाँ पे एक्स वन और एक्स टू, इन्होंने ये दो टर्म और यूज किए, दो सिंबल, तो इनका मतलब आप भली भांति जानते हैं। एक्स वन बोले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वन, मोल फ्रैक्शन को हम फर्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, यदि उसके बारे में थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो उसको जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा यार। यदि जैसे मान लो आप यदि डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो और पहले दूसरे तीसरे आपने नहीं देखे, तो देखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सारी चीजें आपस में रिलेटेड है, राइट। तो जो x2 है वो क्या है, कंपोनेंट ऑफ, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ 2। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम शुरू करते हैं रॉल्स लॉ। तो एनसीईआरटी में कुछ डेफिनेशन दी हुई है, तो मैं थोड़ा सा इसको और करेक्ट करके समझा रहा हूँ, राइट। तो चलिए, तो ये जो डेफिनेशन है इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, एकदम करेक्ट डेफिनेशन, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट। एक बात बताओ, यदि हमने यहाँ पे वोलेटाइल नहीं लिया, जो कंपोनेंट है वो वोलेटाइल ही नहीं है, वो उड़ ही नहीं रहा है, उसमें से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर ही नहीं जा रहे, तो प्रेशर क्या कैसे क्रिएट होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट अबव इट्स आइडियल सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर। एनसीईआरटी में ये भी नहीं लिखा है एट द गिवन टेम्परेचर, है ना, तो वो एक फिक्स टेम्परेचर की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ कि ये जो है पार्शियल प्रेशर वेपर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। अब यहां पर हमने सिचुएशन कैसे लिए, हमने सिचुएशन लिया कुछ इस तरीके की, है ना। तो इसमें दो लिक्विड है, एक है कंपोनेंट वन और एक है कंपोनेंट टू। तो इसका जो पी होगा, पी वन और जो पी टू, ये पी वन और पी टू एबव, एबव आइडियल सॉल्यूशन लिखा है ना, एबव आइडियल सॉल्यूशन, राइट। तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होगा, मोल फ्रैक्शन के। तो जो P1 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा X1 के, और जो P2 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा X2 के। समझ में आ गया, सिंपल सी बात है ना। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ से डायरिव कुछ इक्वेशन वगैरह ड्राइव करते हैं और बनवाइए उनको अच्छे से पढ़ते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अब हम बात करते हैं फॉर कंपोनेंट
वन, और यहां पे हम लिख लेते हैं फॉर कंपोनेंट टू। ठीक है, कंपोनेंट वन के लिए ये क्या है, रॉल्ट्स लॉ है। तो पी वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एक्स वन के। एक्स वन क्या है, मोल फ्रैक्शन। ध्यान रखिएगा एक चीज, ये जो मोल फ्रैक्शन है ना एक्स वन, ये इस सॉल्यूशन में है, और यहां पर जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं बाई वन। ठीक है, और जो कंपोनेंट टू का मोल फ्रैक्शन है उसको क्या बोलेंगे, एक्स टू, और जो वेपर फेज में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बाई टू, सॉरी बाई टू। ठीक है, लिक्विड फेज में उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्स टू, वेपर फेज में उसको हम क्या बोल रहे हैं, बाई टू। तो ये दोनों चीजों में थोड़ा सा अंतर है, समझिएगा यहाँ पर। तो ये जो मोल फ्रैक्शन है इन सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखा है ना मोल फ्रैक्शन, रॉल्स लॉ में मैंने डेफिनेशन लिखाया है इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन, ये दिखाई दे रहा है मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, तो इसको आप मत भूलिएगा। अब देखो, तो यहां पे क्या आया, पी वन इज इक्वल टू पी वन नॉट एक्स वन, और यहां पे क्या आएगा, पी टू इज इक्वल टू पी टू नॉट एक्स टू। ठीक है, तो ये जो है पी वन वो इतना निकल के आ गया, पी वन नॉट और एक्स वन। अब यहाँ पे आपको दो चीज दिखाई दे रही है, एक तो पी वन दिखाई दे रहा है, पी वन नॉट दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है ना, ये क्वेश्चन अराइज होता है, तो ये क्या है, तो ये जो पी वन नॉट है ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट वन, और ये पी टू क्या है, वही वेपर प्रेशर, पी टू नॉट सॉरी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। और ये पी वन क्या है, ये प्योर कंपोनेंट का तो नहीं, इसमें मिक्सअप हो रहा है, तो ये पी वन ऊपर वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम पी टोटल की, किसकी बात करते हैं, पी टोटल की। तो ये जो है पी टोटल, ये क्या होता है, पी वन प्लस पी टू, ये जो है हमने बनाया, ये क्या है, लिक्विड है ना, तो यहाँ पे कंपोनेंट वन और कंपोनेंट टू दोनों प्रेजेंट है, तो यहां से पी वन आया पी टू, तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा इधर, ये वेसल है ना वो बंद है, क्लोज्ड है, ध्यान रहे क्लोज्ड है, राइट, ना प्रेशर क्या है, वो ऊपर उड़ते जाएंगे सारे वेपर, और यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम बन जाता है। इक्विलिब्रियम कैसे बन जाता है, इसको भी समझिएगा, है ना, कि ये क्या है, लिक्विड की सरफेस है, तो यहां से कुछ वेपर जा रहे होंगे और कुछ आ रहे होंगे, तो इनमें क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो जाता है, H2O लिक्विड से H2O गैस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है, तो कुछ जा रहे हैं कुछ आ रहे हैं और एक इक्विलिब्रियम चल रहा है। तो ये सारी चीज आई होप कि आपको पता होगा, सिंपल है, नहीं पता था तो मैंने आपको बता दी, राइट। ठीक है, तो अब पी टोटल कितना आ गया, पी वन प्लस पी टू। तो क्या हमें पी वन की वैल्यू पता है, हमें पी वन की वैल्यू पता है ना, हमने ये निकाली, तो यहाँ पे पुट कर दो, क्या पी टू की वैल्यू पता है, हमें पी टू की वैल्यू भी पता है, पी टू नॉट इन टू एक्स टू, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो जो पी टोटल है, पी टोटल वो कितना निकल के आएगा, पी वन नॉट एक्स वन प्लस पी टू नॉट एक्स टू। ठीक है, अब एक बात आप हमें बताओ, आपको ये पता है एक्स वन प्लस एक्स टू वन होता है, पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्स ए प्लस एक्स बी, ये तो हमने पढ़ा था वन होता है, तो कुछ नहीं, ये चेंज कर दिया है ना, ए को वन लिख दिया, बी को टू लिख दिया, तो दो कंपोनेंट है, तो एक्स प्लस वन एक्स प्लस सॉरी एक्स वन प्लस एक्स टू वन होगा, यदि तीन है तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री क्या होगा, वन के बराबर होगा। तो ये क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू क्या होता है, वन के बराबर होता है। अब यहां से यदि हम एक्स वन की वैल्यू निकालना है, तो एक्स टू को उधर ले जाओ, तो एक्स वन कितना आ जाएगा, वन माइनस एक्स टू। यदि हम एक्स टू को निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स वन, तो एक्स वन को इधर ले जाओ, तो एक्स टू कितना आ जाएगा, वन माइनस एक्स वन। ठीक है, अब करना क्या है कि x1 वन इज टू वन माइनस एक्स टू आ गया, तो x1 की जगह पुट कर दो वन माइनस एक्स टू। तो जब हम इसकी जगह पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, पी वन नॉट सॉरी वन माइनस एक्स टू प्लस पी टू नॉट एक्स टू। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो पी वन नॉट कैसे मल्टीप्लाई किए, पी वन नॉट माइनस पी वन नॉट एक्स टू और ये पी टू नॉट एक्स टू। ठीक है, अब फर्दर और देखो, P1 वन नॉट इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, प्लस P2 टू नॉट एक्स टू माइनस पी वन नॉट एक्स टू। तो ये दोनों सेम चीज है ना, मैं डायरेक्ट इसमें कॉमन ले सकता था, तो यदि कॉमन ले लेता तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता कि ये डायरेक्ट स्टेप कैसे कर दिया, कैसे कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, P टोटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां से एक्स टू है, यहां पर भी एक्स टू है, तो एक्स टू इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो देखो ये जो है पी वन नॉट, ये तो एज इट इज रहेगा पी वन नॉट,
अब एक्स टू और एक्स टू कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा पी टू नॉट और यहाँ पे माइनस पी वन नॉट एक्स टू, ठीक है। तो एक इक्वेशन निकल के आ गई, कौन सी, पी टोटल, इसके बारे में चर्चा करना है हमें डिटेल में। पी वन नॉट प्लस पी टू नॉट माइनस पी वन नॉट और ये एक्स टू, इस पर मान लीजिएगा डब्बा और इसको कर लीजिएगा याद, ठीक है, सिंपल सी इक्वेशन है। अच्छा अब देखो हमने क्या किया, यहां पे एक्स वन की जगह ये डाला, यदि हम यहां पे एक्स टू की जगह ये डाल दें तो वन माइनस एक्स वन, ये दिखाई दे रहा है वन माइनस एक्स वन, है ना, एक्स टू की जगह डाल दें। तो यदि आप ऐसा करोगे तब जो इक्वेशन निकल के आएगी वो इस तरीके से आ जाएगी, पी टोटल इज इक्वल टू, यहाँ पे पी वन नॉट था तो यहाँ पे आ जाएगा पी टू नॉट, प्लस यहाँ पे पी टू नॉट है तो उसकी जगह आएगा पी वन नॉट, यहाँ पे पी वन नॉट है तो उसकी जगह आएगा पी टू नॉट, और यहाँ पे एक्स टू है तो इसकी जगह आएगा एक्स वन, ठीक है। तो दोनों ही क्या होनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए, बट एनसीईआरटी में ये नहीं दी हुई है तो उन्होंने एक निकाल के बता दिए ये, है ना, तो ये इसके बारे में हम बातचीत करते हैं, बट दोनों ही आपको याद होना चाहिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हमने रॉल्स लॉ अच्छे से देख लिया, है ना, वो क्या कहता था, वो कहता था कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शन होता है, तो यहाँ से पी वन आ जाता था पी वन नॉट एक्स वन और पी टू आ जाता पी टू नॉट एक्स टू। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो कि होता था पी टोटल इजकल टू पी वन प्लस पी टू, तो यहाँ पे हम पी वन की वैल्यू पुट कर देते थे ये वाली और पी टू की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देते थे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाती थी। अब हम ये जानते थे कि एक्स वन प्लस एक्स टू क्या होता है, वन के बराबर होता है, तो यहाँ से एक्स वन की वैल्यू निकाल लेते वन माइनस एक्स टू, ठीक है, तो वो इधर पुट कर देते और जब इसको सॉल्व करते तो ये हमने निकाल लिया था, जैसे कि हमने पीछे देखा था उसको, हाँ ये दोनों निकाले थे ना हमने, ठीक है। अब देखो ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन निकाले हुए हैं तो उनको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इससे डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये क्वेश्चन आपको पता है तो ये निकल जाएंगे। ये क्वेश्चन क्या है, पी टोटल, क्या है, पी टोटल, ठीक है, तो पी टोटल इज इक्वल टू पी वन नॉट प्लस पी टू नॉट माइनस पी वन नॉट इन टू एक्स टू। तो इससे इन्होंने तीन कंक्लूजन निकाले हैं, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन सिंपल सा है, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। तो ये जो है ना पी टोटल, उसको हम किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक्स टू आ रहा है, एक्स वन नहीं आ रहा है, ये इसके बराबर भी होता था पी टू नॉट माइनस सॉरी प्लस पी वन नॉट माइनस पी टू नॉट एक्स वन, है ना। तो यहाँ पे ये एक्स टू से रिलेटेड और ये एक्स वन से रिलेटेड है, यानी कि एक ही इक्वेशन में एक्स वन और एक्स टू दोनों नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि पी टोटल को एक ही मोल फ्रैक्शन, एक ही कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से रिलेट कर सकते हैं। तो ये कह रहा है पहला कंक्लूजन। दूसरे कंक्लूजन की बात करते हैं, तो टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट टू। तो ये कह रहा है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है यानी कि पी टोटल है वो लीनियरली वेरी करता है, ठीक है, विद मोल फ्रैक्शन एक्स टू। तो ये आप इस इक्वेशन से देख सकते हो, है ना। जैसे मान लो इसको, मान लो भाई पी टोटल को, और ये क्या है सी कॉन्स्टेंट, और ये क्या है इसको लिखते हैं हम स्लोप और एक्स। तो आप देख रहे हैं जो बाई यानी कि जो पी टोटल है वो लीनियरली वेरी हो रहा है विथ एक्स यानी कि मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये दूसरा भी सिंपल है। तीसरी बात ये कर रहे हैं कि डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट वन एंड टू, इनके ऊपर पी वन नॉट और पी टू नॉट, इन पर डिपेंड करते हुए टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीजेस और इंक्रीजेस। तो जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन के ऊपर वो कम या ज्यादा हो सकता है यदि हम क्या करें मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट वन का इंक्रीज करते रहते हैं। तो ये तो ऑब्वियस वाली बात है, आप इस ग्राफ से इसको देख सकते हो कि मान लो पी वन नॉट कम वोलेटाइल है और पी टू नॉट ज्यादा वोलेटाइल है, तो इस तरीके से ग्राफ जाएगा, यानी कि पी टोटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यदि पी वन नॉट ज्यादा वोलेटाइल है, पी टू नॉट कम वोलेटाइल है, तो क्या होगा, ये इस तरीके से ग्राफ जाएगा, है ना। तो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। तो सिंपल सी ये चीज है, थोड़ा सा और समझेंगे इसको सब समझ में आएगा। यहाँ पे ये ग्राफ, ये कुछ चीजें बताई गई हैं, ठीक है, और जिसके बेसिस, इस ग्राफ के बेसिस पे कंक्लूजन निकाले गए हैं, और इन्होंने ये नहीं बताया कि ग्राफ आया कैसे है। तो सारी चीजें समझते हैं कि ग्राफ कैसे आया, क्या क्या चीजें उन्होंने ये दी हुई हैं।
ठीक है, तो बहुत आसान है, समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथ। तो मान लो ये है इनका ग्राफ, तो पहले हम कर देते हैं इसको इरेज, ठीक है, इतने पार्ट को हमने हटा दिया। अब देखते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये देखो, जो पी वन था वो क्या था, पी वन नॉट एक्स वन, और जो पी टू था वो क्या था, पी टू नॉट एक्स टू। और एक चीज बताओ, ये क्या है, एक्स वन इक्वल टू वन, एक्स टू इक्वल टू जीरो। तो ये आपको समझ में आ रहा है, ये ऑब्वियस है कि यदि एक्स वन कितना हुआ, वन के बराबर हुआ, तो एक्स टू जीरो ही होगा। कैसे, देखो ये इक्वेशन हमने देखी थी, एक्स वन प्लस एक्स टू क्या होता है, वन। यदि एक्स वन की जगह आपने वन डाल दिया प्लस एक्स टू इक्वल टू वन, तो वन और वन कैंसिल आउट, एक्स टू कितना आ गया, जीरो। तो इसका थोड़ा उस तरीके से मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा कि मान लो ये सॉल्यूशन है, तो सिंपली क्या कह रहा है कि एक्स टू जीरो है, तो एक्स टू उधर जीरो, यानी कि इसमें केवल और केवल एक ही कंपोनेंट है, यानी कि ये क्या है, प्योर। तो जब ये प्योर होगा, तो ये प्योर कंटेंट, इसके ऊपर जो प्रेशर यहाँ पे आ रहा होगा, तो वो क्या होगा, पी वन नॉट। तो इस जगह यानी कि ये वाई एक्सिस है, इस पे हम वेपर प्रेशर डिनोट कर रहे हैं, और इधर हम मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स टू क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है, और एक्स वन क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे आप देख रहे हो एक्स टू बढ़ाते जा रहे हो, तो एक्स वन घटता जा रहा है। तो वाई एक्सिस पे क्या कर दिया हमने, वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर जब एक्स वन वन है और एक्स टू जीरो, तो ये क्या आएगा, पी वन नॉट, ठीक है। अब चूंकि ध्यान से समझिएगा, इसमें अभी क्या था, प्योर था। अब हमने एक्स टू डाला, तो एक्स टू इंक्रीज करते गए। अब ये जो है एक्स वन प्लस एक्स टू, इसको वन ही होना है, तो आप एक्स वन एक्स टू एक्स टू एक्स टू एक्स टू इंक्रीज करते जा रहे हो, तो ये क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और एक समय ऐसा आ गया जब एक्स टू वन हो गया, तो एक्स वन क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। एक्स वन 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 कैंसिल आउट, एक्स वन क्या हो गया, जीरो। तो जब एक्स टू वन हो गया, तो एक्स वन क्या हो गया, जीरो। तो इस चीज आपको समझ में आ रही है, यदि हम x1 इंक्रीज करते, सॉरी x1 डिक्रीज करते, x2 इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो जो x1 है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो एक समय ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये बनता, ये जीरो था। तो ये देखो, x1 जब बनता, तो x2 जीरो था, x1 डिक्रीज होता गया, x2 इंक्रीज होता गया, तो x2 यहां पे वन हो गया, और x1 क्या हो गया, जीरो। समझ आ गया। अब देखो यहां पर x2 क्या हो गया, वन, यानी कि यहां पे x1 के कंपोनेंट है ही नहीं, मतलब जो वन कंपोनेंट है ही नहीं, ठीक है, समझ आ गया ना, ए के कंपोनेंट है ही नहीं। ये इसको कंपोनेंट वन माना है, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, एक्स वन और वन कोई नहीं, तो यहां पर केवल टू के कंपोनेंट प्रेजेंट है, यानी कि इसके ऊपर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी टू नॉट। और पी टू नॉट था किसका प्रेशर था, किसका वेपर प्रेशर था, प्योर कंपोनेंट टू, कंपोनेंट टू का, ठीक है। तो ये जो प्रेशर आ रहा होगा वो क्या होगा, पी टू नॉट। अब यहां पर देखो पी वन क्या है, पी वन नॉट एक्स वन, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं P1 is equal to mx, है ना। यदि बात करो तो y y is equal to mx, तो इसकी y is equal to mx की लाइन क्या होती है, ऐसे होती है जो कि ओरिजिन से पास होती है, इस तरीके से होती है ना, है ना। और इसकी कैसे होती है, ये भी मतलब mx क्या होता है, इस तरीके से जाता है। तो ये जो का क्या आ गया, ये लाइन आ गई, P2 is equal to P2 not x2, क्योंकि यहां पे ये जीरो था और यहां पे ये गया, तो इन दोनों को आप ऐड कर दो, ठीक है। और ये P1 not, समझ में आ गया। जब x, जब कंपोनेंट बन के मोल फ्रैक्शन क्या है, x1 बन है, तब यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, p1 नॉट, और यहाँ पे कंपोनेंट बन है ही नहीं, तो p क्या होगा, जीरो। तो इसको जब ऐसे आप ज्वाइन करोगे, तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, इसको ज्वाइन करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई। अब एक चीज देखो, यदि आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हो, तो वो क्या होगा, कुछ और नहीं, वो होगा टोटल वेपर प्रेशर, जो होगा p1 प्लस p2 के बराबर, ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल है, ठीक है। ये जो है, अभी हमने देखा P टोटल कितना आया था, P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट X2, ठीक है। तो ये जो का P इज इक्वल टू, P टोटल है ना, ये कांस्टेंट है, ये M है और ये X2 है, तो यानी कि P इज इक्वल टू MX प्लस C, इसको भाई मान लो। तो आप देख रहे हो ये कुछ स्टेट लाइन इस तरीके की है, ठीक है। तो जब ये X2 जीरो होगा, तब ये P1 नॉट है, और जब X2 बन होगा, तब यह आ जाएगा P2 नॉट। तो इन दोनों को जॉइंट कर देना, तो ये P टोटल का ग्राफ आ गया, सिंपल सी है। अब यहाँ पे एक चीज आप देख के इसको बता सकते हो क्या, कि P2 जो नॉट है, P2 नॉट वो P1 नॉट से ज्यादा है, देख रहे हो, जो P2 नॉट है ऊपर है, यानी कि P1 नॉट से वो ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें दो कंपोनेंट है ए और बी, यहाँ पे इन्होंने वन और टू माना है। तो यदि इसका प्रेशर है
प्योर कंपोनेंट का पी वन नॉट और इसका है पी टू नॉट। यदि पी टू नॉट ज्यादा है पी वन नॉट से तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पी टू नॉट है वो मोर वोलेटाइल है, मोर वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, ये लेस वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, वोलेटाइल मतलब जो तुरंत एवोपरेट हो जाए, है ना, वेपर फेज में आसानी से चला जाए, तो क्या मोर वोलेटाइल, उड़ना उड़ना उड़ना, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं वोलेटाइल। ये सिंपल सी चीज है, समझ में आ गई होगी राइट। अब हम चलते वापस एनसीईआरटी की तरफ। तो देखो यहाँ पे ये प्लॉट इन्होंने बना दिया है मोल फ्रैक्शन पे, ये दिखाई दे रहा है x1 x2 यूनिटी के बराबर होते हैं सम, वो हमें पता ही है। x2 के लीनियर वैल्यू करता है वो भी हमें पता है। मैक्सिमम क्या होगा, p टोटल p1 नॉट, है ना, सॉरी मिनिमम कितना हो सकता है p1 नॉट और मैक्सिमम कितना हो सकता है p2 नॉट, तो वो दिखाई दे रहा है। मिनिमम कितना है p टोटल p1 नॉट और मैक्सिमम कितना है p2 नॉट है, इस ग्राफ से हमें दिखाई दे रहा है। तो वो मैंने ग्राफ समझाया था, अब इस ग्राफ के बेसिस पे आप कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो वो सारी चीजें यहां पे दी हैं, p1 नॉट कम है, P1 नॉट कम है P2 नॉट से, तो इसका मतलब क्या है कि जो कंपोनेंट 1 है वो लेस वोलेटाइल है। तो इसका मैंने आपको मतलब बता दिया, ये क्या है, लेस वोलेटाइल है। क्योंकि एक चीज बताओ, यहां पर प्रेशर है, जिसका वेपर प्रेशर कम है यानी कि उसके वेपर कम है, सिंपल सी बात, उसके मोल कम है, है ना। तो वेपर प्रेशर कम यानी कि मोल कम यानी कि वो कम वोलेटाइल है, कम ऊपर आ जाए, कम उड़ के आ जाए, तो ये लेस वोलेटाइल है और ये मोर वोलेटाइल है। समझ में आ गया। तो ये हो गई हमारी वेपर फेज की बात। अब हम बात करते हैं, ये सॉरी पार्शियल प्रेशर की बात हो गई। अब हम एक दूसरा टर्म देखते हैं, बाई वन और बाई टू, ठीक है। तो ये जो बाई वन है वो बाई टू क्या है, अभी तक हम देख रहे थे एक्स वन और एक्स टू। तो जो एक्स वन और एक्स टू है, एक्स वन क्या है, कंपोनेंट वन का मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, और एक्स टू क्या है, कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इन, कंपोनेंट टू का मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन। अब वेपर फेज में भी तो इनके मोल फ्रैक्शन आएंगे, मोल आएंगे, है ना, ये ऊपर गए हैं वोलेटाइल हैं, ऊपर गए हैं, तो इनके क्या आएंगे, इसमें भी मोल फ्रैक्शन रहेंगे, इसमें भी मोल आए होंगे। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूजिंग डाल्टन्स लॉ, जो पी वन है उसको हम लिखते हैं बाई वन पी टोटल, और जो पी टू है उसको हम लिखते हैं बाई टू पी टोटल। यदि और है पी थ्री तो उसको हम लिखेंगे बाई थ्री पी थ्री। तो सिंपली इसको हम पी आई इज इक्वल टू बाई आई पी टोटल लिख देते हैं। तो ये सिंपल सी चीज है, बस अंतर इतना है यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि बाई वन और बाई टू क्या होता है। तो बाई वन होता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, और एक्स वन होता था मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज इन सॉल्यूशन। ये दोनों चीजों में अंतर स्पष्ट आपको होना चाहिए। आई होप कि अब समझाने के बाद ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। एक एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, सिंपल सा एग्जाम्पल है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सी एस सी एल थ्री एंड सी एस टू सी एल टू, सी एस सी एल थ्री को हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, डाइक्लोरोमीथेन। तो ये नाम है, मैंने टेंथ चैप्टर में इनको अच्छे से बता दिया है, यदि नहीं इनके नाम वगैरह नहीं आते तो उस वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है, टेंथ चैप्टर। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स है, कितना 98 केल्विन। तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना है 200 mmHg, और इसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना है 415 mmHg, ठीक है। तो यहां पर P1 नॉट जो है ना, इसको हम मान लेते हैं 1 CaCl3 को, और इसको मान लेते हैं 2। तो जो P1 नॉट है वो कितना है 200, और जो P2 नॉट है वो कितना है 415 mmHg। बस मैंने हिंट लिखा है, बाद में हम सॉल्व करते समय उसको देखेंगे। अब हमें करना क्या है, निकालना क्या है, तो वो देखो यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ CaCl3 एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2 एट 298 केल्विन। अभी तक क्या थे, ये प्योर थे, है ना, मिला दें, यानी कि इसका इतना वजन और इसका इतना, इन दोनों को मिक्स कर दें, फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि उनका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, यानी कि हमें पी टोटल निकालना है। तो जो पी टोटल निकालना था वो क्या होता था, P1 प्लस P2 होता था, है ना, और P1 P2 क्या होता था, वो होता था P1 नॉट X1, क्या होता था P1, और P2 क्या होता था P2 नॉट X2। तो बेसिकली P1 नॉट हमें पता है 200 है, X1 निकालना है कैसे भी करके, और यहाँ पे हमें P2 नॉट पता है वो कितना है 415, तो हमें X2 निकालना है। तो यहाँ पे यदि हमें X1 और X2 मिल जाए तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो हमारा एम क्या है, X1 और X2 को निकालना, ठीक है। तो आपने एक चीज देखी होगी, ये जो x1 है, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था xA मोल फ्रैक्शन, क्या होता था na
अपॉन एन प्लस एन बी, है ना। तो यहाँ पे जिस कंपोनेंट के मोल आते थे और नीचे क्या आते थे, टोटल मोल, और जो एक्स बी होता था वो क्या होता था, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी कि जो एक्स वन है तो क्या होगा, मोल ऑफ दिस कंपोनेंट एंड यहाँ पे टोटल मोल, और एक्स टू क्या होगा, मोल ऑफ दिस कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल, ठीक है। तो अब इसको हमें निकालना है, तो देखो मोल्स ऑफ सी एच टू सी एल टू, इसके मोल निकालना है। तो इसका वेट कितना दिया है इन्होंने, 40 ग्राम, है ना। तो जो मोल निकालने का फॉर्मूला है वो आपने पढ़ा है, एन इजकल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एन इजकल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो मॉलिक्यूलर मास दोनों का निकाल लेते हैं हम, सी कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन 2 है, है ना, तो 1 इंटू 2, और Cl का कितना होता है 35.5, 2 Cl है तो 35.5 इंटू 2, तो जिसको आप ऐड करोगे तो इतना आ जाएगा 85। अगेन CaCl3 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मोलर मास निकालना है, तो कार्बन का कितना होता है 12 होता है, एक कार्बन है तो एक का मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 1 इंटू 1, क्लोरीन कितनी है इधर 3, एक क्लोरीन का इतना, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 क्लोरीन का कितना होगा 35.5 इंटू 3, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 119.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो बहुत बेसिक चीज है, काफी बार इसको मैं बता चुका हूँ तो ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, राइट। तो हमने मोलर मास निकाल लिया, अब जो मोल है इसके निकालना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपन मोलर मास। तो इसका वेट हमें पता है CH2Cl2 कितना दिया है इन्होंने 40 ग्राम, तो 40 ग्राम अपन 85, तो ये इतना आएगा 0.47। CHCl3 का मोल निकालना है, तो यहाँ पे इन्होंने वेट दिया है 25.5 ग्राम, ठीक है, और मोल कितने, सॉरी इसका मोलर मास कितना है ये, तो इधर रख दो 119.5, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.215। बट हमें क्या निकालना है, हमें इनका मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो इसका मोल फ्रैक्शन बात करें XCH2Cl2, तो ये क्या होता है, इस कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल, ये पढ़ा था ना, Na अपॉन Na प्लस Nb, राइट, ये क्या है टोटल मोल है। तो इस कंपोनेंट के मोल कितने हैं CH2Cl2 के, 0.47, तो यहां पर रख देंगे 0.47, और टोटल मोल कितने हैं, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 0.47 प्लस 0.213, तो ये है 0.683, तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये 0.47 अपॉन 0.683, ये किसके बराबर हो जाएगा 0.688 के, है ना। तो ये मोल फ्रैक्शन उसके आगे, अब मोल फ्रैक्शन CHCl3 का निकाल लो, तो ये कितना होता था, यदि सिंपली यहां पे इसको रख दो कितना 0.213 को, तो यहां पे आप 0.213 को रखोगे तो इसके बराबर आएगा 0.312, या फिर आप 1 में से इसको घटा सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है 1 के बराबर। यदि हमें एक्स ए पता चल गया है और हमें एक्स बी निकालना है, तो एक्स बी क्या होगा 1 माइनस एक्स ए, है ना, तो यहाँ पे एक्स ए कितना है ये, तो 1 माइनस दिस यानी कि 0.312, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन हमें लगाना है, ठीक है, लगा सकते हो, ये वाली भी लगा सकते हो एक्स वन और एक्स टू, ठीक है। यदि आप ये वाली लगाओगे x1 और x2, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू डालनी पड़ेगी x1 और x2 की, तो आंसर आ जाएगा। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तब आपको दूसरा जो x1 है उसको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो जो p1 नॉट है वो कितना है 200, ठीक है, p1 कितना है 200 और p2 नॉट कितना है 415, तो इन सब की वैल्यू रख दो, तो p1 नॉट कितना आएगा 200, p2 कितना है 415, p1 नॉट 200 into x2, तो x2 कितना है ये 0.688, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 347.9 mmHg इसकी वैल्यू आ जाएगी, समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, न्यूमेरिकल्स टाइप नहीं। देखो बेसिकली हमें क्या दिया है, पार्शियल प्रेशर दिया है CH Cl2 का Cl3 का सॉरी Cl2 का CH2 CH2 का और CH Cl3 का, क्या हो रहा है इसको हैंग हो रहा है ये, ठीक है। हमें निकालना क्या है, टोटल सॉल्यूशन निकालना है। तो एक चीज देखो, इसको हम मान लेते हैं P1 नॉट और इसको हम मान लेते हैं P2 नॉट, ठीक है। तो ये क्या हुआ X1 और ये क्या हुआ X2, हमने मोल फ्रैक्शन निकाल ली, तो हमें P टोटल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट X2, ठीक है। तो सिंपली X2 की वैल्यू आप निकाल लेना मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर पुट कर देना, P1 और P0 इन दोनों की वैल्यू पता है तो ये पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका, ये फॉर्मूला हमें याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, तब आप इसको लगा सकते हो, P टोटल जो होता है वो क्या होता है P1 प्लस P2, है ना, और P1 यहाँ पे क्या आता है P1 नॉट X1 प्लस P2 क्या होता है P2 नॉट X2। तो P1 नॉट पता है, P2 नॉट पता है, X1 X2 हमने निकाल लिया है, तो उसको पुट कर दोगे तो उससे भी आंसर आ जाएगा। तो यही हमने वहां पे किया है, राइट। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं, सेकंड पार्ट पे क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है ईच कंपोनेंट के इन वेपर फेज।
ध्यान रहे यहाँ पे वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है ईच कंपोनेंट के, तो हमें यहाँ पे एक्स वन और एक्स टू नहीं निकालना है क्योंकि वो तो मोल फ्रैक्शन किस में थे, सॉल्यूशन में थे, हमें किस में निकालना है वेपर फेज में। तो वेपर फेज में निकालने के लिए हमें निकालना है बाय वन और बाय टू। तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, तो पी वन क्या होता है बाय वन इंटू पी टोटल और पी टू क्या होता है बाय टू पी टोटल, तो हम इसी का यूज करेंगे। तो जो पी वन है वो क्या होता है बाय वन पी टोटल, और जो पी टू है वो क्या होता है बाय टू पी टोटल, सिंपल है ये, ठीक है। अब देखो ये जो है पी सी एच टू सी एन टू ये क्या है, कैसे निकालेंगे, तो हमने वो फॉर्मूला पढ़ा था ना पी वन इजकल टू पी वन नॉट एक्स वन और पी टू इजकल टू पी टू नॉट एक्स टू, ये फॉर्मूला अभी ऊपर देखा था कि नहीं, ये फॉर्मूला के खेल है, सब फॉर्मूले बेस्ड है, पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लो पी वन नॉट की वैल्यू कितनी दी है, ये हमें पहले से की बहन है, सॉरी ये है ना, हाँ प्रेशर की वैल्यू दी हुई है, और ये क्या है मोल फ्रैक्शन किसके, इसके जो हमने निकाले थे, ये निकाले थे सी एच टू सी एल टू के मोल फ्रैक्शन कहाँ है, ये सी एच टू सी एल टू के मोल फ्रैक्शन कितने 0.68 और सी एच सी एल थ्री के कितने 0.312, राइट। तो ये मोल फ्रैक्शन निकाले थे, तो यानी कि पी वन यानी कि प्रेशर ऑफ सी एच टू सी एल टू क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर प्योर जब ये प्योर था इंटू एक्स वन इसका मोल फ्रैक्शन, तो वेपर प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो पी सी एच टू सी एल टू आ जाएगा 285.5 mmHg। इसी तरह हमें निकालना है पी सी एस सी एल थ्री है ना, तो यानी कि पी टू इजकल टू पी टू नॉट एक्स टू, तो पी टू नॉट कितना दिया है 200 mmHg और एक्स टू कितना निकाला था 0.312। ये एक्स टू और पी टू इसमें कन्फ्यूज मत होना बिल्कुल है ना, किसी को भी कुछ भी मान लेना उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना सी एस सी एल थ्री का इतना दिया हुआ है और सी एस सी एल थ्री का ये प्रेशर इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो ये निकालना है बाई वन है ना, यही निकालना है ना। तो यहाँ पर मान लो कंपोनेंट वन है सी एस टू सी एल टू, तो बेसिकली हमें बाई सी एस टू सी एल टू निकालना है। तो हमने क्या देखा कि जो पी सी एस टू सी एल टू होता है वो क्या होता है बाई सी एस टू सी एल टू इंटू पी टोटल, यानी कि जो बाई सी एस टू सी एल टू होगा तो उसके नीचे क्या आ जाएगा ये है ना, तो अपॉन पी टोटल। तो ये निकल के आ गया बाई सी एस टू सी एल टू क्या हो गया प्रेशर ऑफ दिस अपॉन पी टोटल, राइट। तो यहाँ पे ये निकाला था हमने, इसका निकालना है पी सी एस टू सी एल टू, तो इसका प्रेशर 285.5 अपॉन टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर क्या है ये हमने टोटल प्रेशर निकाला था 347.9, तो अपन इसको कर दो तो ये निकल के आ जाएगा। इसी तरह पी सी एस सी एल थ्री बाई सी एस सी एल थ्री यानी कि वेपर फेज में सी एस सी एल थ्री के कितने मोल फ्रैक्शन है, क्या मोल फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बाई सी एच सी एल थ्री यानी कि इसका पार्शियल प्रेशर अपॉन पी टोटल, ठीक है। तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है हमने निकाला था वो कितना आ गया था 62.4 अपॉन टोटल प्रेशर, तो ये टोटल प्रेशर दिया हुआ है यहाँ पे 347.9, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0.18, राइट। अब इन्होंने एक कंक्लूजन यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखते हैं। सिंस सी एच टू सी एल टू इज अ मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट देन सी एच सी एल थ्री है ना, क्योंकि ये हमें कैसे पता चला कि सी एच टू सी एल टू और जो है वो ज्यादा वॉलेटाइल है सी एच सी एल थ्री से, तो ये हमें इस तरीके से पता चला क्योंकि इसका जो पेपर प्रेशर दिया हुआ है जब ये प्योर था तब कितना है 415 जो कि 200 से ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया था यदि किसी चीज के वेपर प्रेशर ज्यादा है यानी कि वो कंपाउंड ज्यादा वॉलेटाइल है तभी तो वेपर फेज में गया है, तो हमें यहां से पता चल गया। अब यदि उसका प्रेशर ज्यादा है तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो कंपोनेंट होगा वेपर फेज में उसकी मात्रा भी ज्यादा होगी, वो लिक्विड फेज में भी ज्यादा होगा, सॉरी वो ज्यादा वॉलेटाइल भी होगा और वेपर फेज में उसकी जो मात्रा होगी वो ज्यादा होगी। तो इस तरीके से हमने यहां पर देखा कि ये जो है बाई सी एस टू सी एल टू आ रहा है 0.82 और बाई सी एस सी एल थ्री आ रहा है 0.18, यानी कि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है तो ये क्या है इसका मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा है, इसका वेपर प्रेशर कम है तो इसका मोल फ्रैक्शन भी कम है। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आया, सिंपल है ये, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, तो अब हम देखते हैं इसको रॉयल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। तो ये क्या कह रहे हैं, जो हेनरी लॉ है, सॉरी जो रॉल्स लॉ है वो एक स्पेशल केस है हेनरी लॉ का। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज हेनरी लॉ, तो ये था हेनरी लॉ, प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। तो यहां पर
प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोल फ्रैक्शन के। रॉल्स लॉ में भी तो यही हो रहा था, है ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। बट यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट आ रहा था पी नॉट आ रहा था, ठीक है, और यहाँ पर कॉन्स्टेंट क्या है के एच, तो यहाँ पे एक फिक्स्ड वैल्यू है और यहाँ पे के, ठीक है, तो ये जो है के एच की जगह यहाँ पे क्या कर दो पी वन नॉट कर दो, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा एक स्पेशल केस बन जाएगा हेनरी लॉ का, ठीक है, तो ये क्या है हेनरी लॉ और ये क्या है रॉल्स लॉ, तो इसमें बस यही बताया गया है, तो काफी सिंपल ये है, राइट। अब हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स, तो इसके वेपर प्रेशर की हम बात करेंगे। तो जो लिक्विड इन लिक्विड था उसमें रॉड्स लगता था वो थोड़ा सा टफ था, बट ये काफी सिंपल है, ठीक है। तो अब देखो इसका एग्जांपल आप बता सकते हो सॉलिड इन लिक्विड का, कोई भी एक सॉल्यूशन बताओ जिसमें हम लिक्विड में सॉलिड डाल रहे हैं। तो ऑफ कोर्स पता है आपको NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड, है ना, ये सॉलिड है, इसको हम पानी में डाल देते हैं, यानी कि हमारा जो लिक्विड है वो क्या है पानी, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है सॉल्यूशन बन जाता है सॉलिड इन लिक्विड का, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें इन्होंने दी हुई है, लेकिन कोई भी चीज जो है यहां तक टफ नहीं है, सब आसान है, सारी की सारी इसके बेसिस पे। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा और अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये जो है ना वेपर प्रेशर, हम अभी तक देखते आ रहे थे वेपर प्रेशर, तो जानते हो ये वेपर प्रेशर होता क्या है, तो पूछ लिया गया एग्जाम व्हाट इज वेपर प्रेशर, तो आप क्या बताओगे, तो इसकी डेफिनेशन है यहां से, है ना, इसको भी इरेज करते हैं। ठीक है, लिक्विड्स एट अ गिवन टेम्परेचर, ध्यान रहे टेम्परेचर फिक्स्ड है, ठीक है, टेम्परेचर वेरी नहीं करना चाहिए, लिक्विड्स एट अ गिवन टेम्परेचर वेपराइज, लिक्विड क्या होता है वेपराइज होता है, यानी कि एवोपरेट होता है, तो उसमें से कुछ वेपर निकलते हैं, और जो कंडीशन है वो कंडीशन कौन सी है इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, तो उस पर लिक्विड क्या करता है फिक्स टेम्परेचर पर वेपराइज करता है, तो वहां से एक प्रेशर एग्जर्ट होता है वेपर्स के द्वारा, ठीक है, और वो लिक्विड फेज के ऊपर, तो इसको हम क्या बोलते हैं वेपर प्रेशर, समझ में आ गया, लिक्विड्स एट अ गिवन टेम्परेचर वेपराइजेस एंड under equilibrium condition the pressure exerted by the vapors of the liquid over the liquid phase is called vapor pressure, ये definition आप note करके लिख लीजिएगा। अब यदि हिंदी में समझो इसको शुद्ध तरीके से, तो क्या है ये, क्या है लिक्विड है कि नहीं, प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, अब ये वेपराइज हो, टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, मान लो 298 केल्विन है, फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर वेरी नहीं करना है, ठीक है, कंडीशन है वो, अब इन दोनों में इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी कि यहां से जो जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, यानी कि H2O लिक्विड से H2O गैस, ये क्या इक्विलिब्रियम है, ठीक है, ये आपको राइटिंग कैसी आ रही है, ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम अचीव्ड है। अब ये जो है मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के दिखाई दे रहे हैं ये उड़ गए, वेपर बन गए, और ये जो वेसल है वो क्या बंद है, तो इन वेपर के द्वारा प्रेशर एग्जर्ट होगा, तो इसी प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, समझ में आ गया, सिंपल सी बात है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया वेपर प्रेशर की डेफिनेशन यहां बताई। अब हम क्या करेंगे इसको इरेज करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, अब देखो यहां पे ये कह रहे हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यदि इसमें डाले जाए तब क्या होगा, तो उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया है, तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट था, कुछ भी नहीं है, ये जो ब्लू आपको दिखाई दे रहे हैं मॉलिक्यूल वो किसके हैं प्योर सॉल्वेंट के हैं, बट अब हमने क्या किया इसमें सॉल्यूट के मोल ऐड कर दिए, दोनों वन मोल ऑफ सॉल्यूट ऐड कर दिया, वन मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, तो हुआ क्या, आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो ग्रीन है ये क्या है सॉल्यूट, और ये ब्लू है वो क्या है सॉल्वेंट, ठीक है, तो ये जो ब्लू है ये क्या है वोलेटाइल है, वोलेटाइल बोल दे तो उड़ सकता है, वेपराइज हो सकता है, और ये जो ग्रीन है यानी कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या है नॉन वोलेटाइल,
क्या है, नॉन वोलेटाइल। तो जब हमने इस प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारा जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट था, इस सरफेस पर सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स थे वो प्योर सॉल्वेंट के थे, तो सब स्केप करेंगे और यहाँ पे वेपर प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि हमने यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए तो जो सरफेस थे, अब सरफेस में सारे के सारे जो मॉलिक्यूल हैं वो सॉल्वेंट के नहीं है, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ जगह नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने भी ऑक्यूपाई कर लिए, तो अब जो एस्केप करने की क्षमता थी यानी कि जो संख्या थी वो कम हो जाएगी। पहले यहां से ज्यादा मॉलिक्यूल ऊपर जा सकते थे क्योंकि सरफेस पर सारे के सारे प्योर सॉल्वेंट के थे, लेकिन अब तो बहुत कम है, तो अब बहुत कम मॉलिक्यूल ऊपर जा पाएंगे, एस्केप कर पाएंगे सरफेस से। तो इससे क्या होगा, कम मॉलिक्यूल्स पहुंच रहे हैं वेपर फेज में, तो जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया, कम हो गया। सिंपल सी बात समझ में आ गई, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इन्होंने यही यहाँ पे बताया है, सिंपल सी चीज है, बहुत आसान। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अच्छा एक और चीज यहाँ पे ये कह रहे हैं कि द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो प्रेशर, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, वो केवल और केवल क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, ना कि इसके नेचर पे। ध्यान रखना इस बात को कि हम कितनी क्वांटिटी सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की इसमें डाल रहे हैं, उस बात पर ये वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, ना कि इसका नेचर क्या है। जैसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो, वन मोल सुक्रोज या फिर वन मोल यूरिया को यदि आप पानी में डालते हो, एक केजी पानी में, जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है दोनों का सेम होता है। ठीक है, हालांकि देखो नेचर दोनों का अलग अलग है, तो इस नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ा, बट दोनों की क्वांटिटी सेम है, तो क्वांटिटी सेम है यानी कि डिक्रीज इन वेपर प्रेशर भी क्या है, सेम है। तो एक अच्छा पॉइंट है कि जो वेपर प्रेशर है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, वो केवल नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, ना कि इसके नेचर पर। सिंपल सी चीज है, आई होप कि समझ में ये आ गई होगी। यहाँ पे इन्होंने एक रॉल्ट्स लॉ की डेफिनेशन दी है, जो कि मैंने आपको पहले बता दी है, वो ही अच्छी है, और मतलब थोड़ा मॉडिफाई जनरल फॉर्म सिंपल सी, फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, तो ये सारी बातें तो हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, अब यहाँ पर एक केस देखते हैं, ये ग्राफ कैसे आया। ठीक है, अब देखो ये क्या है, बेसल है, क्या है, बेसल है। ठीक है, और इसमें भरा ये लिक्विड और इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी हैं, तो यहां पर जो प्रेशर आ रहा होगा, वेपर आ रहे होंगे, इसमें दो चीजें हैं, एक तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, दूसरा वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, अब मान लो ये जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है, तो जो वेपर होंगे इधर मॉलिक्यूल होंगे वो किसके होंगे, इसके वोलेटाइल सॉल्वेंट, तो इसको हम बोल देते हैं फेज वन यानी कंपोनेंट वन। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा वो क्या होगा, पी वन होगा। ठीक है, यदि हम प्योर सॉल्वेंट की बात करें तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, पी वन नॉट। समझने की कोशिश करना, प्योर यदि यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं होते, यदि ये होता केवल और केवल यानी कि लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट है, तब यहाँ पे जो प्रेशर आता है उसको हम बोलते हैं पी वन नॉट। चूंकि अभी हमने नॉन वोलेटाइल इसमें सॉल्यूट डाल दिए हैं, तो ये जो है वो पी वन नॉट तो नहीं होगा, ये प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो उसको हम मान लेते हैं पार्शियल प्रेशर पी वन। तो ये क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था मोल फ्रैक्शन, यानी कि जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता था। तो पी वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वन और पी वन इज इक्वल टू एक्स वन इंटू पी वन नॉट। तो ये अगेन क्या हुआ, रॉल्ट्स लॉ हो गया। ठीक है, तो यहां से इन्होंने क्या किया, इस ग्राफ को प्लॉट किया है, तो ग्राफ बड़ा आसान सा है। ये क्या माना हमने, y एक्सिस माना, क्या माना, y एक्सिस, ये क्या है, y एक्सिस, ये क्या है, x एक्सिस। y एक्सिस पे लिया हमने वेपर प्रेशर यानी कि p1। ठीक है, तो x एक्सिस पे अब ये सिंपली इक्वेशन है, p1 is equal to p1 not x1, है ना, तो y is equal to mx, और y is equal to mx का ग्राफ क्या होता है, जीरो से ओरिजिन से पास होता है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आती है, ये मैथमेटिकल का पार्ट है, ये तो आपको पता होगा, ये नहीं पता तो ध्यान रखिएगा, y is equal to mx का जो ग्राफ होता है वो हमेशा, यदि ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, तो ओरिजिन से पास होता है। तो ये भी क्या है, ओरिजिन से पास हो रहा है, x क्या है, x के मूल यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, x सॉल्वेंट क्या है, बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज
होती जा रही है, ठीक है। तो यहां पर ये जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, P1 नॉट, क्योंकि यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के हैं वो कितने हैं, वन, यानी कि एक्स सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है, जीरो, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है, जीरो। तो ये क्या हुआ, प्योर सॉल्वेंट हुआ, और प्योर सॉल्वेंट पे प्रेशर कितना होता है, P1 नॉट, ठीक है। तो ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ये है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा, आई होप कि ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो यानी क्या, ये लीनियरली वेरी कर रहा है। इफ अ सॉल्यूशन ऑफ इज रॉल्स लॉ फॉर ऑल कंसंट्रेशन इट्स वेपर प्रेशर वुड वेरी लीनियरली फ्रॉम जीरो टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये जीरो से वेपर प्योर वेपर प्रेशर सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट तक वेरी करेगा, यानी कि जीरो से P1 नॉट तक जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, राइट। तो अभी हमने क्या देख लिया, 2.4 तक कंप्लीट कर लिया है। तो ठीक है, इसके आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 2.5, यानी कि आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, राइट। तो जो रॉल्स लॉ है, हेनरी लॉ है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूमेरिकल्स इसके आते हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए फिर हम समाप्त करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।